नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड पेपर सेकंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फर्स्ट यूनिट का एक टॉपिक लोक प्रशासन तथा व्यक्तिगत प्रशासन या लोक प्रशासन तथा व्यक्तिगत या निजी प्रशासन में कुछ समानताएं और कुछ असमानताओं का अध्ययन करेंगे। वैसे तो प्रशासन को सामान्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, जिसे हम लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन कहते हैं। लोक प्रशासन का मतलब लोक प्रशासन शासकीय प्रशासन है, राज्य की सरकार द्वारा जन हेतु संपन्न किए जाने वाले समस्त कार्य लोक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। लोक प्रशासन सार्वजनिक होता है तथा वहीं निजी प्रशासन विभिन्न व्यक्तियों, कंपनियों, व्यापारियों, संस्थाओं, निगमों द्वारा किए जाने वाले कार्य निजी अथवा व्यक्तिगत प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। निजी प्रशासन सार्वजनिक नहीं होते, तो यह फर्क हो गया लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के दोनों में अंतर। अब हम देखते हैं लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कुछ समानता के दृष्टिकोण, कुछ असमानता के दृष्टिकोण। सबसे पहले हम देखेंगे लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता के दृष्टिकोण। सबसे पहले देखें समानता के दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण को मानने वाले विद्वान निजी प्रशासन और लोक प्रशासन के मध्य कोई अंतर नहीं मानते। इस दृष्टिकोण के प्रतिपादन हेनरी फ्योल, मैरी पार्कर फॉलेट और उर्विक ने किया है। इनके अनुसार निजी प्रशासन एवं लोक प्रशासन में प्रशासनिक क्रियाएं एक है। हेनरी फ्योल के अनुसार अब हमारे सामने कोई प्रशासनिक विज्ञान नहीं है, बल्कि केवल एक ही है, जिसे लोक तथा निजी दोनों ही प्रशासकों के लिए समान रूप से भलीभांति लागू किया जा सकता है। वहीं फिर उर्विक के शब्दों में वह कहते हैं कि यह बात गंभीरता से सोचना कठिन है कि बैंक में काम करने वाले व्यक्तियों का एक अलग जीव रसायन विज्ञान होता है, प्राध्यापकों का एक पृथक शरीर क्रिया ज्ञान तथा राजनीतिज्ञों का एक अलग रोग मनोविज्ञान होता है। वस्तुतः तो ये सब व्यक्तियों के लिए समान रूप से एक जैसा ही होता है। उर्विक के कहने का मतलब यह है, चाहे वह निजी क्षेत्र में जो कार्य हो या प्रशासनिक लेवल पर, राजनीतिक लेवल पर कार्य, जो भी व्यक्ति कार्य करते हैं, उन सब का विज्ञान जो है समान रूप से एक जैसा होता है और वो उनके कार्य, व्यक्तियों के जो कार्य होते हैं वे समान रूप से एक जैसे होते हैं। इसलिए हेनरी फ्योल, उर्विक और मैरी पार्कर फॉलेट प्रशासन और व्यक्तिगत या निजी प्रशासन में कोई अंतर नहीं मानते हैं। अब हम देखते हैं प्रशासन व निजी प्रशासन में कुछ व्यक्तिगत प्रशासन में कुछ समानताएं के लक्षण। नंबर वन, किसी भी प्रशासन के लिए किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु संगठन एक अति महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अतः दोनों प्रकार के प्रशासन में संगठन के सिद्धांत एवं आधार एक समान होते हैं। दोनों ही प्रकार के प्रशासन में कार्य करने की एक ही तकनीक है, प्रक्रिया एवं कुशलता अपनाई जाती है। एक ही तकनीक, प्रक्रिया एवं कुशलता अपनाई जाती है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी प्रशासन, चाहे वह लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन हो, किसी निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें संगठन और उसके सिद्धांत और उसके आधार दोनों ही प्रशासन में एक जैसे होते हैं, ताकि कार्य करने की जो उनकी तकनीक है, प्रक्रिया है, कुशलता है, वह और अधिक अपनाई जा सके। नंबर दो, लोक तथा व्यक्तिगत प्रशासन के कार्यकर्ता एक ही समान प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, मतलब दोनों के प्रशिक्षण जो है एक जैसा ही होता है। भारत में प्राय उद्योग में कार्यरत व्यक्तियों को प्रशासनिक सेवा में
और प्रशासनिक सेवा में कार्यरत व्यक्तियों को निजी उद्योग आदान प्रदान किए जाते हैं। जो अपनी ब्यूरोक्रेसी या अपन कह सकते हैं अपना नौकरशाह जो है, जो आईएएस है, आरएएस है, जो सचिव लेवल के हैं, तो समय समय पर उनके विभाग चेंज होते रहते हैं। किसी को कार्मिक विभाग में लगाया जाता है, उसके बाद सीधा का सीधा उसको औद्योगिक विभाग में भी लगाया जा सकता है, कंपनी में भी लगाया जा सकता है। तो मतलब कहने का मतलब ये, लोक प्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन के जो संचालन करता है उनकी ट्रेनिंग एक जैसी होती है, ताकि व्यक्तियों और निजी प्रशासन के कार्यों में इनको आदान प्रदान किया जा सके। नंबर 3, लोक एवं व्यक्तिगत प्रशासन दोनों कर्मचारी वर्ग की कार्यकुशलता पर निर्भर है, अतः दोनों ही प्रकार के प्रशासन में योग्य, कुशल एवं ईमानदार लोक सेवकों की आवश्यकता होती है। निस्संदेह अगर किसी भी संस्था या किसी भी प्रशासन को अगर सही ढंग से या उचित तरीके से चलाना है तो उसमें कर्मचारी वर्ग की कार्यकुशलता पर वो निर्भर होता है, इसलिए योग्य, कुशल एवं ईमानदार लोक सेवकों की इसमें दोनों में आवश्यकता पड़ती है। नंबर 4, दोनों प्रकार के प्रशासन को स्वयं की लोकप्रिय बनाने के लिए जनसंपर्क की आवश्यकता होती है, मतलब बिगड़ जनसंपर्क यह स्टेबल नहीं हो सकता। लोक प्रशासन में जनसंपर्क का अर्थ समाज के प्रत्येक वर्ग की कल्याणकारी उपलब्धियों की जानकारी देना है। निजी प्रशासन के लिए जनसंपर्क लाभांश और क्षेत्र विस्तार में सहायक होता है। फिर आता है नंबर 5, समानता इसकी है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की। लोक प्रशासन एवं व्यक्तिगत प्रशासन में एक निश्चित उत्तरदायित्व की भावना पाई जाती है। और लास्ट, लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में समानता का 6ठा पॉइंट है, प्रशासनिक चुनौतियों एवं समस्याओं के निवारण के लिए दोनों में ही अन्वेषण की आवश्यकता रहती है। नई खोजों द्वारा नवीन सिद्धांत, प्रक्रियाएं, उपकरण आदि निकाले जाते हैं, जिनके फलस्वरूप प्रशासन को अधिक समताशील एवं उन्नतिशील बनाया जाता है। दोनों ही प्रकार के प्रशासकों में निपुण कर्मचारियों को शोध कार्य में लगाया जाता है, मतलब दोनों ही क्षेत्र में, चाहे वह लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन हो, उनमें अप टू डेट होना और आगे से आगे रिसर्च व्यक्तियों के अंदर और इसको आगे से आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, वह दोनों ही प्रशासन में एक समान है। तो यह हो गया लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में कुछ समानता के दृष्टिकोण। अब आता है विद्यार्थियों, लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में कुछ असमानता के दृष्टिकोण। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अनेक प्रकार की असमानताएं भी पाई जाती है। जैसे साइमन के अनुसार सामान्य व्यक्तियों की दृष्टि में सार्वजनिक प्रशासन राजनीति से परिपूर्ण, नौकरशाही और लाल फीताशाही वाला होता है, जबकि निजी प्रशासन राजनीति शून्य और चुस्ती से काम करने वाला होता है। कहने का मतलब साइमन का है कि सामान्य प्रशासन और सार्वजनिक प्रशासन में नौकरशाही और लाल फीताशाही वाला होता है, जबकि निजी प्रशासन में राजनीति या पॉलिटिक्स का कोई लेना देना नहीं होता है तथा उसमें काम करने का जो तरीका है वह वेल अप टू डेट होता है। फिर पॉल एच एप्पलबी ने लोक व निजी प्रशासन में 3 प्रकार के भेद बताए। पॉल एच एप्पलबी ने, पहला है, निजी प्रशासन की अपेक्षा लोक प्रशासन का क्षेत्र, संगठन, प्रभाव एवं विचार ज़्यादा व्यापक होते हैं। दूसरा, लोक प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि व्यक्तिगत प्रशासन उत्तरदायी नहीं होता। तीसरा है, लोक प्रशासन का चरित्र राजनीतिक होता है, जबकि निजी प्रशासन का चरित्र अराजनीतिक होता है। तो यह पॉल एच एप्पलबी ने लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में 3 प्रकार के अंतर बताए हैं। अब हम लोक प्रशासन तथा व्यक्तिगत प्रशासन में कुछ असमानताओं के दृष्टिकोण भी देखते हैं। जैसे पहला,
निजी प्रशासन की तुलना में लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र अधिक विस्तृत और व्यापक होता है। लोक प्रशासन का कार्य जनकल्याणकारी होता है, जबकि निजी प्रशासन का मुख्य कार्य सामग्रियों का उत्पादन करना होता है। नंबर दो, लोक प्रशासन प्राय इस बात के लिए सजग रहता है कि वह संपूर्ण जनता के साथ एक जैसा व्यवहार करे। शासकीय अधिकारी अपना कार्य एक निश्चित नीति के आधार पर करते हैं, जबकि निजी प्रशासन अपने कार्यों में समानता के सिद्धांत का पालन नहीं करता। उसमें व्यक्तिगत लाभ के लिए नियमों की अवहेलना की जाती है। नंबर थ्री, निजी प्रशासन का मुख्य ध्येय लाभ अर्जित करना होता है, जबकि लोक प्रशासन का नहीं। इसकी संपूर्ण नीतियां सार्वजनिक हित की दृष्टि से संपादित की जाती है। फिर आता है विद्यार्थियों नंबर चौथा पॉइंट, लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में असमानताएं का चौथा पॉइंट आता है। लोक प्रशासन में प्रतियोगिता का अभाव होता है, इसमें शासन का एकाधिकार होता है। इसके विपरीत व्यक्तिगत प्रशासन में एकाधिकार की भावना नहीं होती। नंबर पाँच पॉइंट, लोक प्रशासन के कार्यों का संचालन राजनीतिक दृष्टि से किया जाता है, अर्थात इसके कार्य राजनीति से प्रभावित होते हैं, जबकि निजी प्रशासन में यह बात नहीं होती। इसका प्रशासन व्यापारिक नीतियों के आधार पर निर्धारित होता है। फिर आता है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में असमानताओं में छठा पॉइंट, लोक प्रशासन में उत्तरदायित्व की भावना पाई जाती है। यह अपने प्रत्येक कार्य के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, किंतु निजी प्रशासन में जनता के प्रति इस प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं होता। फिर आता है विद्यार्थियों सातवां पॉइंट, निजी प्रशासन अपने लाभ के लिए स्वयं के द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विक्रय के लिए जनसंपर्क पद्धति का सहारा लेता है, जबकि लोक प्रशासन में जनसंपर्क का कार्य इतने बड़े पैमाने पर नहीं होता है। फिर आता है इसकी असमानताओं में आठवां पॉइंट, निजी प्रशासन को लोक प्रशासन की तुलना में अधिक दक्ष और क्षमतावान माना जाता है। निजी उद्योगों में अच्छे कार्यकर्ताओं को उत्पादन बढ़ाने तथा विक्रय के लिए विशेष वेतन और विशेष सुविधाएं दी जाती है। फिर आता है नवां पॉइंट, लोक प्रशासन को व्यक्तिगत प्रशासन के कर्मचारियों की तुलना में अधिक सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है। और फिर इसका लास्ट दसवां पॉइंट विद्यार्थियों, लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में असमानताओं में इसका दसवां पॉइंट, लोक प्रशासन में स्थायित्व के गुण विद्यमान होते हैं, जबकि निजी प्रशासन में व्यापारिक घाटा आदि होने पर व्यापार बंद कर दिया जाता है। उपयुक्त भेदों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में गुण का कम मात्रा का अंतर अधिक है, अतः इन भेदों के बावजूद दोनों में काफ़ी समानता है। अतः वाल्डो ने ठीक ही कहा है, वस्तुतः लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन एक ही जाति के दो भेद हैं। दोनों ही प्रशासन अंततः अपने अपने तरीके से देश के निर्माण कार्य में संलग्न है और राज्य की सेवा करते हैं। तो विद्यार्थियों, यह हो गया लोक प्रशासन एवं व्यक्तिगत या निजी प्रशासन में कुछ समानताएं, कुछ असमानताओं के दृष्टिकोण या समानताएं या असमानताएं या इन दोनों में अंतर। धन्यवाद।